गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड सेफ एट योर होम हाउ इज योर स्टडी आई ऑल्सो होप दैट्स वेरी गुड बच्चों कोविड नाइन्टीन का डर अभी खत्म नहीं हुआ है सो स्टे एट योर होम एंड डोंट गो आउटसाइड अननेसेसरी When you go out, wear mask and use sanitizer. Last week, we read poem. Dad and the cat and the tree. We read in this poem that plant tree. कैट टू कम डाउन फ्रॉम दूडेस इैड एंड द कैट एंड द ट्री इज रिटन बाय किट राइट डैड एंड द कैट एंड द ट्री कविता किटराइट ने लिखी है द poet डिस्क्राइब्स अ फनी इंसिडेंट इन दिस पोम इस कविता में कवि एक हास्यजनक घटना का वर्णन करते हैं बच्चों फनी का मतलब हास्यजनक और इंसिडेंट होती है घटना दिस इज अबाउट अ कैट विच climbed वेरी हाई ऑन अ ट्री एंड got स्टक इन ओवर there. इस कविता में एक बिल्ली के बारे में बताया गया है जो कि एक बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाती है और उसके चढ़ने के बाद वो उसी पेड़ में फंस जाती है स्टक का मतलब है टक, पहले भी मैंने बताया था स्टक का मतलब होता है अटक जाना चढ़ फंस जाना इट कुडेंट कम डाउन विदाउट हेल्प ये बिना किसी की सहायता के नीचे नहीं उतर पाती अब क्या होता है बच्चों जब वो पेड़ में फंस जाती है नीचे नहीं उतर जाती तो क्या होता है तुमने पॉयं, पॉयं में पढ़ा था ना तो अब हम समरी में भी पढ़ रहे हैं उसे और कैसे फंस जाती है ट्री वॉज टॉल एंड शेकी क्योंकि वो पेड़ लंबा था और दामा डोल था हिलने डुलने वाला था वो मजबूत नहीं था अब द पोट फादर टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द कैट कम डाउन अब जो पिता है पोएट्स फादर कभी के पिता है उन्होंने उस बिल्ली को नीचे लाने की जिम्मेवारी ले ली थी मदर व फादर नॉट टू गेट हर्ट बट बट फादर एश्योर हर दैट इट वॉज क्वाइट एंड इजी जॉब फॉर हिम माँ ने पिता को चोट ना खाने की चेतावनी दी कि बोला ध्यान से काम करना चोट मत खाना या गिर मत जाना परंतु पिता ने उसे विश्वास दिलाया कि उनके लिए ये बहुत ही आसान काम है बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेवारी और नॉट टू गेट हर्ट मतलब चोट मत खाना और एश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना और एन इजी जॉब बहुत आसान काम इन फर्स्ट अटेम्प्ट द डैड टुक द हेल्प ऑफ लेटर पहली कोशिश में पिताजी ने सीढ़ी की सहायता ली फर्स्ट अटेम्प्ट पहली कोशिश बट द लैडर स्लिप्ड एंड डैड वॉज ऑन फ्लोर बेड पर क्या हुआ बच्चों सीढ़ी फिसल गई और पिता फूलों की क्यारी पर जा गिरे बताया था ना मैंने तुम्हें फ्लावर बेड होता है फूलों की क्यारी हाउएवर ही डिड नॉट लीव द करेज एंड अटेम्प्टेड अगेन पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी नॉट लीव द करेज डिड नॉट लीव द करेज मतलब हिम्मत नहीं हारी एंड अटेम्प्टेड अगेन और दोबारा से प्रयास किया या दोबारा से कोशिश की Yet again ignoring his wife's warning. दूसरी बार भी उन्होंने अपनी पत्नी की जो वार्निंग थी चेतावनी थी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया ही स्वंग ब्रांच अब उन्होंने क्या किया खुद को एक ब्रांच एक शाखा पर झूलने की तरह झुला लिया मतलब पकड़ के उसके उस पर झूलने लगे द ब्रांच एंड अगेन और जिससे वो शाखा टूट गई और वो जमीन पर गिर गए इवन आफ्टर रिपीटेड वार्निंग फ्रॉम मदर अब फिर माँ ने बार बार उन्हें दोबारा से चेतावनी दी द फादर मेड अ थर्ड अटेम्प्ट फिर भी पिता ने तीसरी बार प्रयास किया तीसरी कोशिश की बिकॉज ही थॉट हिमसेल्फ टू बी एन अडेप्ट क्लाइंबर क्योंकि वे अपने आप को पेड़ पर चढ़ने में कुशल मानते थे he... अब इस बार क्या किया बच्चों ने ही क्लाइंब ऑन द गार्डन वॉल वो गार्डन वॉल मतलब बगीचे की दीवार पर चढ़ गए एंड लेफ्ट हाई ऑन दे और वहां से पेड़ की ऊंची टहनी पर कूद पड़े लेफ्ट का मतलब बच्चों कूदना लीप लेफ्ट लेफ्ट लकीली दिस टाइम डिड नॉट फॉल इस बार वो नीचे नहीं गिरे ही वॉज देअर राइट ऑन द कैट अपर क्या हुआ वो ठीक बिल्ली के ऊपर जाकर गिर गयी दैंक टू दाउंड बट फादर गॉड स्टक अपन द ट्री बिल्ली तो उछल कर जमीन पर आ गई पर पिताजी वहीं अटक गये बच्चों ये थी इस कविता की समरी अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स को पढ़ेंगे पहला वर्ड है स्टॉक्स स्टक का मतलब होता है नॉट एबल टू मूव अटक जाना या रुका हुआ मतलब वहां से बाहर नहीं निकल सकते वबली वबली का मतलब होता है अनस्टेबल या शेकी और हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों डामाडोल मतलब जो पेड़ हिलता डुलता रहता है पतला सा होता है लंबा भी होता है ये और हिलता उलता रहता है बताए कभी इस साइड कभी उस साइड तो उसको बोलते हैं बच्चों वॉबली अब है तीसरा स्कॉफ्ट स्कॉफ्ट का मतलब होता है बच्चों टू स्पीक अबाउट समबडी इन अ वे दैट शोस दैट ही और शी इज स्टूपिड किसी व्यक्ति या वस्तु की हंसी उड़ाना या उसको ताना देना मतलब वो तो मूर्ख है उसे तो इस बारे में पता ही नहीं चला फोर ब्रशिंग ब्रशिंग होता है बच्चों टू क्लीन टाइडी समथिंग फिथ द ब्रश मतलब झाड़ना अपने आप को किसी चीज से झाड़ लेना स्वंख स्वंख क्या होता है टू मूव बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स और फ्रॉम साइड टू साइड while हैंगिंग फ्रॉम समथिंग फिर एक तो ये होता है दूसरा टू मेक समबडी या something मूव इन दिस वे झूलना मतलब आप किसी चीज को पकड़ के आगे पीछे झूलते हो नंबर सिक्स विंकिंग विंकिंग का मतलब होता है बच्चों टू क्लोज एंड ओपन वन आई वेरी क्विकली यूज एज सिग्नल टू समबडी जल्दी जल्दी पलक झपकना मतलब पलक झपकते ही कोई काम एकदम से कर लेना नंबर सेवन है बच्चों क्लाइंबर अ पर्सन हु क्लाइम्स माउंटेन एज अ स्पोर्ट मतलब जो पर्वतारोही जो एकदम से किसी चीज पर चढ़ जाए नंबर एट पर है प्लीज प्लीज होता है बच्चों हैप्पी और सेटिस्फाइड अबाउट समथिंग कि किसी बात के लिए बच्चों प्रसन्न या संतुष्ट होना फिर है नंबर होनाकिंग होता है गैरंट और प्रेजेंट पार्टिस पार्टिसिपल स्मिंग मतलब भद्दे या बनावटी ढंग से मुस्कुराना Thank you students. Be safe at your home.